What a great century that was, Moin. Okay, वो कह रहे हैं कि साइमन डॉल ने कहा कि जी स्लो थी थोड़ी सी, 102 का स्ट्राइक रेट था उनका. नहीं स्लो नहीं थी, बहुत ही जबरदस्त. आई थिंक जो अभी डाटा हमने शेयर किया है सबके साथ, वो जो बीच के ओवर्स थे उसमें तो 6 रन के एवरेज से खेले रविंद्र और मिचेल. तो असल में तो जो डॉट बॉल्स हुई हैं शुरू में भी हुई हैं कुछ डॉट बॉल्स और आखिर के 10 ओवर में डॉट बॉल्स. मिचेल की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, कोई डाउट ही नहीं है. हर तरफ शॉट खेला, यू नो, एक मच नीडेड एज पर रिक्वायरमेंट. आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर था जिस वक्त आए हैं वो बैटिंग करने, यू नो, और ये बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की है यहाँ पे और कोई भी चांस नहीं दिया यहाँ पे. बहुत ही समझदारी से लाइक बैटिंग की है और थ्रू आउट द इनिंग ही वॉज वेरी कंसर्न के एक लंबा टोटल है, बट उनका किसी ने एंड में साथ नहीं दिया. आखिर के 40 ओवर में वो मौजूद रहे. जो उनके मेन बॉलर जो थ्रेट था कुलदीप यादव, जिस तरीके से पहले 3-4 ओवर्स में उन पे उन्होंने हमला किया है, दैट वाज समथिंग. आई मीन ही वाजंट सेट एट बात कर रहे थे शोएब पिछले 2 हफ्ते से लगाया, यही कह रहा है कि इसको खेलने का तरीका ही यू हैव टू यूज योर फीट, निकल के उसकी बॉल के पिच तक पहुंचो. वो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड टीम ने किया. और बैकअप प्लान भी था मिचेल के पास, जब उन्होंने उसको काउंटर किया उनकी जो जिस पे वो विकेट्स ले रहे थे उसको डाउन द ग्राउंड खेला, फिर उन्होंने सीम अप बॉलिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स खेलने उनको शुरू कर दिए. सिर्फ आपने ये नहीं करना कि स्पिनर को आप जो है सामने डाउन द ग्राउंड, वो अब आप उसने आपसे शॉट्स खा लिए, अब आपको वो फिर वहीं बॉलिंग करेगा, वो नहीं करेगा. अच्छा स्पिनर थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग शुरू कर देता है, फिर आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट्स खेलना शुरू कर देना. लेट मी क्रिएट अ सिनेरियो फॉर यू. यू आर बैटिंग, कुलदीप इज kind of bowling, similar bowler, और आपने उसको तीसरी गेंद पे छक्का मार दिया है, आप निकले हो, तो अगली दो गेंदों में आपके जेन में क्या होगा एज अ बैटर, क्या एंटिसिपेट करें? देखिए उसमें ये होगा कि अगर मैं ऑफ साइड, आप कोई भी स्पिनर जो है ना, बहुत कम स्पिनर हैं, एक तो आपको कंडीशन और सिचुएशन को असेस करना है एज अ बैटर कि उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है. अगर तो आपको 6 ओवर चाहिए तो ऑफकोर्स आप सिंगल पे चले जाओगे, लेकिन अगर आपको 8 ओवर चाहिए, अगेन लुक फॉर अ बाउंड्री, क्योंकि अब आइदर या वो आपको यॉर्कर करने की कोशिश करेगा या वो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा. स्पिनर की बात, स्पिनर की बात, स्पिनर, हाँ स्पिनर करते हैं यॉर्कर भी, क्योंकि जब उनके पास चॉइस ना बचे, स्पिन नहीं हो रहा बॉल, तो वो करते हैं ये वाला एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. फिर आप ये होती है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ जिस तरह वो थोड़ा सा वाइडर चला गया, वाइडर चले गए जहाँ पे पीछे उसके पास फील्डर है, क्योंकि 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं 30-yard सर्कल में, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने क्या प्लान किया या बॉलर अब क्या करेगा, आपने उसको सामने शॉट मार ली. अब फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ी सी देखनी पड़ती है, फिर आप अगले जो 2 बॉल्स हैं वो खेलें. लेकिन अगर आपको ये लगता है, कुछ स्पिनर ये भी करते हैं क्योंकि कैप्टन कहता है कि भाई विकेट चाहिए, खाओ तो फिर अगर उसने खाया ना आपसे सामने छक्का, वो आपको फिर देगा सेम जगह पे एक और बॉल, बल्कि हो सकता है ज़्यादा लूपी दे दे. तो अब आपने उसको मैनेज करना है, अगर आप भी विलिंग हो, अगर आपको, इफ़ यू कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि जहाँ पर क्रिकेट चली गई है, गो फॉर इट.